Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. लेसन के दौरान मिस रेहाना ने उबैद से एक सवाल पूछा और हमेशा की तरह उबैद ने अपना सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस रेहाना की तरफ से डांट और हम जमात साथियों की तरफ से हंसने की कोई आवाज नहीं आई तो उबैद ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफे तवक्को वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उबैद को अपने पास बुलाया और सरगोशी से उसके कान में सही जवाब बताया और फिर इशारा किया कि वो क्लास के सामने सही जवाब दोहराए। उबैद हिचकिचाया और कुछ देर वहीं सुन खड़ा रहा। मिस रेहाना के 3-4 बार इसरार करने पर वो बिल आखिर बोल पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस रेहाना ने ना सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाईं, बल्कि बाकी सबसे भी बजवाईं। इस हौसला अफजाई पर मिस रेहाना ने पहली बार उबैद की आंखों में चमक देखी। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। मिस रेहाना पहले खुद सवाल पूछती, उबैद को बुलाकर जवाब बताती और फिर वो सही जवाब पूरी क्लास के सामने दोहरा देता। इस पजीराई से उबैद के अंदर एक मुस्बत तब्दीली आने लगी। एक मुरझाया हुआ फूल फिर से खिल उठा था। अब मिस रेहाना को सवाल के साथ सही जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अब रोज खुद सही जवाब देकर सबको मुतासिर करता और नित नए सवाल पूछकर हैरान भी करता। हर अच्छी मिसाल अब उबैद से मुंसलिक की जाने लगी थी। उसके बाल भी अब काफी हद तक सवरे हुए होते थे और यूनिफॉर्म भी साफ सुथरा होता था, जिसे अब शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया और उबैद ने क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब के दिन सारे बच्चे मिस रेहाना के लिए तोहफे लेकर आए और उनकी टेबल पर ढेर लगा दिया। उन खूबसूरत चमकते रंग बिरंगी गिफ्ट बॉक्सेस के बीच अखबार में बेतरतीबी से लिपटा एक तोहफा भी रखा हुआ था। किसी को ये बात जानने में देर ना लगी कि तोहफे के नाम पर ये टेढ़ी मेढ़ी चीज उबैद लेकर आया है। मिस रेहाना ने तहाइफ के उस पहाड़ में से सबसे पहले उबैद का गिफ्ट निकाल कर खोला। उसके अंदर लेडीज परफ्यूम की एक आधी इस्तेमाल शुदा शीशी और एक बोसीदा सा कढ़ा था, जिसके ज्यादातर मोती निकल चुके थे। मिस रेहाना ने खुशी खुशी वो कढ़ा पहना और परफ्यूम लगाया। बच्चे ये देख कर बहुत हैरान हुए, खुद उबैद भी। कुछ देर बाद जब उबैद से रहा नहीं गया तो वो मिस रेहाना के पास गया और अटक अटक कर कहने लगा, आज आपसे बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्ते, हफ्ते महीने और महीने साल बन गए और मिस रेहाना रिटायर हो गईं। हर साल मिस रेहाना को बाकायदगी से उबैद की तरफ से एक खत जरूर मौसूल होता। खत की तारीख बदल जाती लेकिन खत में लिखी हुई एक बात नहीं बदलती, मैम मैं इस साल बहुत सारे नए टीचर्स से मिला लेकिन आप जैसा कोई नहीं था। इस साल उबैद के खत में एक खुशखबरी भी थी। उसने लिखा था कि इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी शिरकत का मुंतजर रहूंगा, फकत डॉक्टर उबैदुल्लाह। उबैद ने खत के साथ शादी का कार्ड और टिकट भी भेजा था, जिसे देखकर मिस रेहाना का दिल भर गया। जब वो तकरीब में पहुंची तो उबैद ने बड़े एहतराम के साथ उनका हाथ पकड़ा और उन्हें स्टेज तक ले गया। उस हाथ में मिस रेहाना ने वही बोसीदा सा कढ़ा पहना हुआ था। उबैद ने उन्हें अपनी दुल्हन से मिलाया और कहा, तुम अक्सर पूछती थी ना मेरी अम्मी के बारे में, इनसे मिलो, ये है मेरी माँ। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।